तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से शुरू करेंगे। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर दें। और भी अगर आप लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी पॉइंट के बारे में अगर आप लोग समझना चाहते हैं, कोई डेरिवेशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपकी रिक्वायरमेंट को ज़रूर लिखिए, ताकि उस तरह के वीडियोस बनाकर मैं अपलोड कर सकूं। तो चलो शुरू करेंगे। यू नो दैट कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप लोगों ने कंसीडर किया, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लोगों ने कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखा, लेट क्यू नॉट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज क्यू, तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज पर एक्टिंग जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा, उसी को कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नाउ ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसीलिए इसको लिखा जा सकता है वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। तो अगर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप Q और Q नॉट के बीच के फोर्स की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो आप लोगों को मिलेगा वेक्टर E इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और क्यू नॉट हो जाएगा कैंसल। और इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप लिख सकते हैं E मस्ट बी इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अगर आप लोगों को इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी इसी मुद्दे को लेकर वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट अलोंग एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रिंग कंसीडर करेंगे इस तरह से, और ये जो रिंग है, ये रिंग की थ्री डायमेंशनल फिगर मैं निकाल रहा हूँ, याद रहे। और इस रिंग के ऊपर कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और टोटल चार्ज कुछ क्यों इतना रखा हुआ है, और इस रिंग के एक्सिस के अलोंग अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, तो रिंग के एक्सिस के अलोंग अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट है पी, तो इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। रिंग की रेडियस को हम कंसीडर करेंगे, लेट से कैपिटल आर, और रिंग के सेंटर से पी इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा अलोंग दिस लाइन, वो कुछ एक्स इतना है। हम यहां पर डायरेक्शंस को डेजिग्नेट कर देते हैं, तो हम यहां पर ये जो लाइन है या फिर इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, और इसको जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसको हम वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। अब अगर मैं ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग के ऊपर, इसमें से कोई एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ द चार्ज कंसीडर करता हूं, लेट से डी क्यू, तो डी क्यू इस चार्ज की वजह से पी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डी क्यू और पी इन दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलॉन्ग होगी इस तरह से। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से, उसको हम लेट से डी ई से डिनोट करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो फ्रैक्शन और द स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, बिकॉज वी वॉन्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द टोटल चार्ज। हियर आई एम कंसिडरिंग डी ई इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज डी क्यू। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, वो इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड होगी, जिसको हम कंसिडर करेंगे आर। और आप जानते हैं कि अगर आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर,
और अगर दोनों का रूट आपने ले लिया तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 लाइक दैट। नाउ जिस तरह से आप लोगों ने यहां पर स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसिडर किया था उसी तरह से इसके डायमेट्रिकली एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर अगर आप स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो इसकी वजह से भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग ही होगी। और जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में DE थी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में DE इतनी ही होगी। अब इसी तरह से इस रिंग के ऊपर के हर चार्ज एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी DE अलग अलग डायरेक्शंस में डायरेक्टेड रहेगी, जैसे कि आप लोगों को फिगर में नजर आता है। और अब अगर हम यहां पर ये जो DE है इसके दो कंपोनेंट अगर कंसीडर करते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द एक्स एक्सिस, तो इसके लिए हमको लेट ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ये एंगल जो है थीटा इतना है, तो ये एंगल अगर थीटा इतना है तो ये भी एंगल थीटा इतना होगा, और ये एंगल अगर थीटा इतना है तो DE का इस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा DE cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा डेफिनेटली ये कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। अब इस DE के जैसे ये दो कंपोनेंट आप लोगों ने निकाल लिए, उसी तरह से इस DE के भी अगर आप दो कंपोनेंट लेते हैं, एक x के अलोंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, तो इसके लिए आप ये कहेंगे कि ये एंगल है लेट से थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, और ये अगर थीटा है तो DE का इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट जो है वो होगा DE cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि DE sin थीटा सभी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, और DE sin थीटा अगर सभी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हो जाएगी जीरो, और एंटायर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फिर x एक्सिस के अलोंग होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि सभी DE के अलोंग द x एक्सिस जो कंपोनेंट है DE cos थीटा वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं अलोंग द x एक्सिस। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी द इंटीग्रेशन ऑफ द DE cos थीटा। DE cos थीटा का इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा तब जाकर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और आप जानते हैं कि जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आप लोगों ने निकाला था, DE मतलब DQ इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो DE की वैल्यू डेफिनेटली होगी K into DQ upon R square। तो DE की वैल्यू आप प्लेस करेंगे तो आप लिखेंगे E must be equals to integration of K into DQ upon R square। Now you know R square is nothing but the capital R square plus X square, और इनटू cos थीटा, तो cos थीटा इज नथिंग बट द एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस व्हिच इज नथिंग बट द x अपॉन r, और x अपॉन r की वैल्यू है r square प्लस x square टू द पावर 1/2। अब इसको अगर आगे आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा e मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k इनटू dq इनटू x अपॉन R square plus X square to the power 3/2, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर्स की एडिशन होगी, यहां पर इसका पावर है 1 और इसका पावर 1/2, 1 plus 1/2 is nothing but the 3/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E must be equals to K constant है, X constant है, और अंडर रूट R square plus X square to the power 3/2 ये सब constant है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, आप लिखेंगे K into X upon R square plus X square to the power 3/2, और इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ द DQ। अब ऐसे सभी DQ अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप लोगों को टोटल चार्ज ऑफ दैट रिंग मतलब कैपिटल Q मिलेगा, और इसीलिए इक्वेशन हो जाएगा E must be equals to K into Q into X upon R square plus X square to the power 3/2। तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ एक्सियल पॉइंट ऑफ दैट रिंग। रिंग के एक्सिस के अलावा अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आप कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल्स टू K into Q into X upon R square plus X square to the power 3/2। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस किया जा सकता है, जैसे ये P पॉइंट अगर सेंटर को बहुत ही करीब होता तो ऐसे सिचुएशन में X जो है वो R के कंपैरेटिव बहुत ही स्मॉल होता, और आप कहते कि इफ X इज वेरी वेरी लेस देन R, तो ऐसे सिचुएशन में R के कंपैरेटिव आप X को इग्नोर करते
और एक्स को अगर आप इग्नोर करते हैं तो डिनोमिनेटर में बचता आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो पावर का पावर अगर है तो 2 हो जाएगा कैंसिल, और ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब. तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सच ए पॉइंट विच इज वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द रिंग. रिंग के सेंटर को बहुत ही करीबी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है. अब इसके और आगे जाकर अगर हमको टोटल चार्ज नहीं बल्कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया होता, जिसको आप लीनियर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कहते हैं, तो उस केस में आप लोग क्यों के बजाय यूज करते हैं, टोटल चार्ज के लिए यूज करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ. टोटल लेंथ ऑन विच द चार्ज इज प्लेस्ड इज नथिंग बट द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग इज नथिंग बट द 2πr. तो देयरफॉर ये हो जाता ई मस्ट बी इक्वल्स टू के इंटू क्यू की वैल्यू होती आपके पास लैम्डा इंटू 2πr और इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2. और फिर इसको और भी आगे मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि वंस अगेन अगर x इज वेरी वेरी लेस देन r है तो ये x चला जाएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में r क्यूब बचेगा, और फर्दर k की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 वो अगर आप यहाँ पर प्लेस करते हैं तो e इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास k मतलब 1/4πε0, तो ये लैम्डा इंटू 2πr इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2. नाउ यू नो पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, 2 1 2 2 2 4, और इसीलिए इक्वेशन बनेगा लैम्डा इंटू आर इंटू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में बचा 2πε0 इन ब्रैकेट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2. तो अलग अलग फॉर्म्स में आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. तो ये था आज का हमारा पॉइंट, फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी पॉइंट में जल्दी. तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि उस तरह के वीडियोज़ मैं बनाकर अपलोड कर सकूँ. तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम.